नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों। आज प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस के राष्ट्रपति श्री एमैनुअल मैक्रोन के साथ जयपुर में गए और वहाँ पर जंतर मंतर की अद्भुत वैज्ञानिक जानकारियाँ प्रदान की। आप भी देखिए इन दोनों नेताओं की जयपुर की विजिट की कुछ इम्पोर्टेंट झांकियां। और जिस केमिस्ट्री का जिक्र हमारे मेहमान कर रहे थे स्टूडियो में, आपको दृश्य में दिखाई दे रही है। आप देखिए कितने सहज तरीके से दोनों गले मिल रहे हैं, हाथ से हाथ मिलाते हुए, दिल से दिल मिलाते हुए। और इस वक्त जंतर और अजय, मंतर ये जंतर मंतर की दृश्य जंतर है। मंतर यूनेस्को का हेरिटेज साइट बिल्कुल और शोभा यात्रा, अगर मैं इसको हेरिटेज टूर कहूँ तो ये गलत नहीं होगा। आप देखें, यहाँ से जंतर मंतर से निकल करके सांगनारी गेट तक जाएंगे, हवा महल में बीच में स्टॉप ओवर है, उसके बाद मसाला चाय का आनंद लेंगे और फिर बायलेटरल। तो ये एक सॉफ्ट डिप्लोमेसी जिसके हम लगातार चर्चा कर रहे थे, एकदम कोई हार्ड टॉक्स नहीं, आतंकवाद के मुद्दे पर बातचीत नहीं। ये बात चल रही भाई जंतर मंतर में, कैसे भारत की प्राचीन तकनीक के जरिए हम कैसे समय को सूर्य के साथ जोड़ करके देखते थे। और दिल्ली में भी एक जंतर मंतर है जहाँ पर आप सूर्य की छाया से समय को नापते हैं और वहाँ की जो घड़ी है वो आपको बताती है कि कितना वक्त हो गया है। तो भारत और फ्रांस के बीच दोस्ती के एक नए युग की शुरुआत, उसमें उसका जो वक्त है वो भी बेहतरीन हो चला है। और इन तस्वीरों के जरिए दो महाशक्तियाँ, अगर हम कहें पूरी दुनिया की, तो इस वक्त अपने साझे हितों को पूरी दुनिया के सामने रखने के लिए, ख़ास तौर पर सांस्कृतिक तौर पर और हेरिटेज डिप्लोमेसी के जरिए, इस वक्त बिल्कुल तैयार अगले मैग्निफिसेंट रोड शो के लिए। बिल्कुल, तो ये बहुत ही मनोरम दृश्य, मनमोहक दृश्य आप देख सकते हैं पीछे जयपुर का जंतर मंतर। 1724 से लेकर 1734 के बीच ये गार्ड, मुझे लगता है कि ये जो टूरिस्ट टूर गाइड हैं वो बता रहे हैं फ्रेंच प्रेसिडेंट को किस तरह से ये काम करता है। हम आपको बताते हैं अपने दर्शकों को कि 1724 से लेकर 1734 के बीच इसका निर्माण किया गया था। खगोलीय वेधशाला इसे कहा जाता है और ये यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में भी शामिल है। और यहाँ अगर आप जाएं तो यहाँ बहुत ही 14 प्रमुख यंत्र हैं जो कि समय मापने, ग्रहण की भविष्यवाणी करने, किसी तारे की गति और स्थिति, सौर मंडल के ग्रहों, इन तमाम चीज़ों के बारे में आप यहाँ पे जानकारी हासिल कर सकते हैं। और प्रधानमंत्री ने इस जगह को चुना ताकि भारत किस तरह से अपने ऐतिहासिक तौर पर भी इन चीज़ों में काफ़ी काम किया है। शून्य का आविष्कार भारत में हुआ, आर्यभट्ट ने किया, और किस तरह से आर्यभट्ट की यह धरती और वेधशाला, इन तमाम चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए भारत अपने विरासत को भी साथ लेकर चल रहा है, आधुनिकता को भी साथ लेकर चल रहा है। आज जिस प्रांगण में इस वक्त दोनों नेता खड़े हैं, विश्व के दो दिग्गज नेता, और हमारे साथ हमारे सहयोगी भी लगातार बने हुए अमृतपाल। अमृत, जिस बैकड्रॉप में दोनों नेता खड़े हैं वो जंतर मंतर है जयपुर का। जैसा कि हमने कहा कि हमारे पास विरासत भी है, आधुनिकता भी है, दोनों को हम साथ साथ लेकर चल रहे हैं, कैसे देखा जाए इसको? देखिए, इसका सिंबलिज्म यही है कि प्रधानमंत्री एक तो जयपुर को यूज करना, भारत सिर्फ दिल्ली तक विकसित मतलब सीमित नहीं है, भारत बहुत बड़ा है, इसकी डाइवर्सिटी बहुत है और भारत अपने आप में एक बहुत डाइवर्स और सुंदर मुल्क है। उसके अलग वाइब्रेंसी, अलग अलग हिस्सों की अलग अलग वाइब्रेंसी है, उसके कलर्स हैं। राजस्थान तो अपने आप में बहुत कलरफुल है, यहाँ के लोग, यहाँ की विरासत, यहाँ के किले, यहाँ के महल, यहाँ की जो एक रॉयल्टी का के जो आर्टिफैक्ट है और उस एज के, पर उसके साथ उस जमाने की जो एक साइंटिफिक टेम्पर, जंतर मंतर को यूज करना कि साइंटिफिक टेम्पर, ओल्ड जो हमारी सिविलाइजेशन एथोस थी उसमें स्टीप दिन था। तो जंतर मंतर को आज फ्रेंच प्रेसिडेंट को उसका एक गाइडेड टूर देना और वहाँ वहाँ उनको रिसीव करना जबकि वो मुख्य अतिथि बन के आए हैं गणतंत्र दिवस की परेड में, तो ये उसकी सिंबलिज्म ये है। अति अमृत, अगर हम ये देखें कि जब मिस्टर मैक्रो जब सेकंड बार इलेक्ट किए गए तो भारत के प्रधानमंत्री पहले वर्ल्ड लीडर थे जो उनसे मिलने के लिए वहां पर पहुंचे। G7 की बात हो, G20 की बात हो, हमेशा साइडलाइंस पर दोनों लोग मिलते रहे हैं। और लेकिन आज का जो दिन है वो लगता है इनके साथ आई है जिसमें इनके विदेश मंत्री, इनके डिफेंस मिनिस्टर,
कॉर्पोरेट जो सेक्टर से बड़े कॉर्पोरेट हाउसेस दिखा रहे हैं कि कैसे जबरदस्त केमिस्ट्री के बीच दोनों नेता एक बार फिर से मिल रहे हैं। 6 बार पहले मिल चुके हैं, एक अगर एक साल की हम बात करें, और उसके बाद कितनी गर्मजोशी के साथ स्वागत किया की जो हमारी धरोहर है। ये जो हेरिटेज साइट्स में यूनाइटेड नेशंस की लिस्टेड होती जा रही है, तो ये इस बात का परिचायक है कि धीरे धीरे ये जो तमाम इंस्टीट्यूशंस हैं ये डीकोलोनियलाइज अब हो रहे हैं वास्तविक रूप से, और इसमें भारत का एक बहुत बड़ा कहीं ना कहीं रोल मैं देखती हूँ। जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री कहते हैं कि किसी भी प्रकार की जो ये गुलामी की मानसिकता है और औपनिवेशिक काल की जो ये एक मानसिकता है उससे तमाम इंस्टीट्यूशंस को वो दूर ले जाने का काम कर रहे हैं, और ये इस बात का भी द्योतक है और इस बात का भी हमें संदेश दे रहा है कि न सिर्फ अभी बल्कि पुरातन काल में भी हमारे पास वो इतनी शक्ति थी, इतना टैलेंट था कि हम उस जमाने में भी इस वर्ल्ड लेवल का जो वेधशाला उसको हम बना पाए। निश्चित तौर पर इस प्रकार की खगोलीय वेधशाला सिर्फ जयपुर में नहीं है, दिल्ली में भी है और उज्जैन में भी है, और इसके अलावा हम देखें तो हमारे पास कई ऐसी एक बहुत लंबी फेरहिस्त है। 4 BC में हमारे यहाँ पर सर्जरी की जा रही थी, फिर हम चरक के योगदान को हम कैसे भूल सकते हैं, हमने विश्व को शून्य दिया, हमने पूरे विश्व को जिंक और स्टील को स्मेल्टर करने की तकनीक सिखाई। हमारा जो ये खगोलीय शास्त्र में कहीं ना कहीं जो हाथ है, हमारे जो आज पंचांग हैं उन्हें हम देखते हैं सालों साल बिना किसी त्रुटि के हम उनके माध्यम से गणनाएं कर पाते हैं, गणित को जो हमारा योगदान, बिल्कुल तक्षशिला नालंदा वल्लभी जैसे विश्वविद्यालय हमने विश्व को दिए हैं, और ये वो समय था जब पूरी दुनिया से लोग अध्ययन के लिए शोध के लिए भारत आया करते थे, और कहीं ना कहीं उसी युग में मुझे लगता है हम वापस पहुंच गए हैं। तो ये जब प्रधानमंत्री कहते हैं डॉक्टर अंशु कि हमें हम विश्व गुरु हैं और हम विश्व गुरु बनने की राह पर अग्रसर हैं, ये तस्वीर है, और इनके जरिए जो मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि वाकई हम थे, हम बीच में उसे भुला दिया गया, लेकिन एक बार फिर से हम विश्व गुरु बनकर दिखाएंगे। निश्चित तौर पर विश्व गुरु विश्व मित्र, तो जो मैक्रों के साथ खड़े हैं वो विश्व मित्र मुझे दिखाई पड़ते हैं, और उनके पीछे जो दृश्य दिखाई पड़ता है वो विश्व गुरु का दृश्य मुझे दिखाई पड़ता है। विश्व गुरु और विश्व मित्र एक साथ हम इन तस्वीरों में देख सकते हैं। अजय, नहीं अगर थोड़ा सा मैं लिबर्टी ले पाऊं लाइट हार्टेड कमेंट के लिए, तो को देख लें उनके साथ वो मित्रता के नए आयाम जो हैं वो स्थापित करते हैं। एम्बेसडर गुरजीत सिंह, मैं आपको चर्चा में लाना चाहूंगा, और हमने देखा कि कई वर्षों तक एम्बेसडर की भारत की जो ये जो सॉफ्ट पावर है उसको शोकेस नहीं किया गया ग्लोबल फोरम पे। हम जानते हैं कि डिप्लोमेसी में दोनों ही पावर का, सॉफ्ट पावर का भी हार्ड पावर का भी, दोनों का ही बहुत ही अहम रोल होता है। ऐसे में बहुत वर्षों तक हमने उस पावर का डिस्प्ले नहीं किया। अब बीते 10 वर्षों में हमने देखा है, चाहे वो योग की बात हो या फिर और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसका कि प्रधानमंत्री ने और सरकार ने ग्लोबल फोरम पर इसको डिस्प्ले किया, और दुनिया जाने की वाकई भारत जो कह रहा है कि वो विश्वगुरु बनना चाह रहा है, तो उनके पास वो ऐसे एसेट्स हैं जिनके दम पर वो बन सकता है। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी, उनकी दूरदर्शी नीति और उनका जो एक विजन था उसको आप कैसे देखते हैं सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी के आईने में? मैं उसे बड़ी पॉजिटिवली देखता हूं, और देखिए अंशु जी ने इतने स्पष्ट शब्दों में और सुंदर शब्दों में ये बात समझाई, मैं उनसे बिल्कुल सहमत। तो इसलिए मैं समझता हूं कि इस समय भारत की जो कूटनीति है वो एक फुलसम डिप्लोमेसी है, उसमें कोई भी पहलू छुपा नहीं, चाहे प्राइम मिनिस्टर मोदी का कैरिश्मा हो, मॉडर्न टेक्नोलॉजी। लेकिन एम्बेसडर एंड सस्टेनेबिलिटी, एम्बेसडर ये बताएं कि हमने देखा कि ठीक है हम विकसित अर्थव्यवस्था बनने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, हमारे बहुत अच्छे संबंध हैं तमाम देशों के साथ, हमारे पास सॉफ्ट पावर भी है, लेकिन ग्लोबल साउथ में तो भारत को विश्व गुरु मानते हैं। बिल्कुल, अमृतपाल सिंह हमारे संवाददाता जी, हाईटेक प्रोग्राम है वो गुरु है उनका। जी अम्बेसडर साहब, आप हमारे साथ बने रहिए, हमारे संवाददाता वरिष्ठ संवाददाता अमृतपाल सिंह बने हुए हैं जयपुर, हालांकि वो चंडीगढ़ से आते हैं, चंडीगढ़ को लेकर के तो फ्रांस का जो सहयोग है वो लगातार जारी है स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट को लेकर के। अमृतपाल सिंह जी, केंद्र में हम दिल्ली में नेताओं को तो जरूर बुलाते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी अब होस्ट करने लगे हैं अलग अलग शहरों में, ये राष्ट्रपति मैक्रो जा चुके हैं आगरा वाराणसी, उसके बाद मेरे अपने शहर मिर्जापुर जहां पर एक बड़े सोलर प्रोजेक्ट की भी उन्होंने शुरुआत की थी, आज जयपुर में क्या माहौल है,
आज ये चौथा शहर जिसे वो देखने का मौका उन्हें मिला है। देखिए जयपुर की सड़कों पे माहौल उत्सुकता का है, लोगों में जज्बा है, उनकी एक झांकी पाने का, झलक पाने का दोनों लीडर्स की। अभी जंतर मंतर के बाद थोड़ी देर में वो जब वहां से निकलेंगे तो रोड शो करेंगे लोग अपने घर। प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति मैक्रों की तस्वीरें दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। सिर्फ आपकी आवाज हम तक पहुंच पा रही है। अपनी बात पूरी कीजिए। तो मुझे एक्चुअली मेरे सामने टीवी स्क्रीन नहीं है तो ठीक है। तो हवा महल पर वो आएंगे और लोगों में काफी उत्सुकता है। जो आपकी एंगेजमेंट है उसकी आपने विजिबिलिटी बढ़ाई है। दूसरा कि आपकी जैसे जैसे आपका स्टेचर बढ़ रहा है, इकोनॉमिक स्टेचर वर्ल्ड स्टेज पर, तो आपकी हेफ्ट बढ़ रही है। आपकी जैसे आप कह रहे थे, आप बात कर रहे थे प्रोफेसर जोशी और अम्बेसडर गुरजीत सिंह के साथ कि आप की दुनिया में बात सुनती है, आप अब आप डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ पावर स्ट्रक्चर्स कर रहे हैं। तो अब क्योंकि वो आपका स्टेचर राइज कर रहा है, आपकी हेफ्ट राइज कर रही है, ठीक है। इंडिविजुअल एजेंसी का भी एक रोल होता है और वो बिल्कुल है। तो आपकी डिप्लोमेसी अब आपको वर्ल्ड आपके साथ सिर्फ एंगेज ही नहीं कर रहा है, आपके साथ पार्टनर कर रहा है, क्योंकि आप की आपकी